हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहजन की बहुत ही अमेजिंग सब्जी की रेसिपी, जिसे घर के हर मेंबर खाना पसंद करेंगे। और इसे बनाना जो है बहुत ही आसान है। सहजन हमें खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम और आयरन होता है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें सहजन जो है खाना चाहिए। चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ये 300 ग्राम सहजन लिए हैं। सहजन को हम काट लेंगे। सहजन को जो है हम थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटेंगे क्योंकि सहजन को जो है हमें चूस करके खाना होता है, तो हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो इसको खाने में हमें आसानी होगी। और इसके रेशे को हम निकालते जाएंगे और इसी तरीके से हम सारे सहजन को हम काट लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जो है सारे सहजन को काट लिया है और जो थोड़े बहुत रेशे रह गए हैं तो इसको हम इस तरह से जो है हम निकाल देंगे। मैंने यहाँ पर जो है सारे सहजन के रेशे को निकाल करके साफ़ कर लिया है। इसको हम पानी से हम अच्छे से हम धुल लेंगे और इसको हम एक प्लेट में हम निकाल करके रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ये 5 आलू लिए हैं, इनको मैंने छील करके साफ़ कर लिया था और इनको मैंने पानी में भिगा करके रखा है ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। और इसको जो है इस तरह से हम लंबाई में हम मोटे मोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो है सारे आलूओं को काट लिया। इसको हम 2 बार पानी से धुल के साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, 8-10 करी लहसुन, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची ली है। तो 1 प्याज को जो है हम ग्रेवी के लिए इस तरह से हम पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे और 1 प्याज को जो है हम बारीक काट लेंगे, इसका हम तड़का लगाएंगे। और टमाटर को भी हम इस तरह से रफली हम काट लेंगे और अदरक और लहसुन को जो है हम कूट लेंगे। पे मैंने जो है 2 बड़े चम्मच तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा एकदम बढ़िया गर्म है तो इसमें हम सहजन को हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पर जो है सहजन को हम 3-4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। इससे जो है सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाता है। आप एक बार जो है इस तरह से सहजन की सब्जी बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए सहजन हमारे फ्राई हो गए हैं तो इसको हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। सहजन को आप जो है 3-4 मिनट से ज़्यादा आप इसे फ्राई ना करें, बस हल्का सा इसे फ्राई कर लें। तो अब हम इसी तेल में जो है हम आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम हाई फ्लेम पर जो है 3-4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें पूरा फ्राई नहीं करना है, बस ये आलू जो है वो 70% जो है वो पक जाना चाहिए, इतना ही हमें आलूओं को फ्राई करना है। तो ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब मैंने सेम वही कढ़ाई ली है और तेल को मैंने एकदम कम कर दिया है और इसमें हम प्याज को हम डाल देंगे और प्याज को जो है हम हल्का सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, इसे हमें इतना ही सॉफ्ट रखना है। अब हम इसमें हम टमाटर को हम डाल देंगे। तो मैंने टमाटर को जो है छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, इससे क्या होगा ना कि टमाटर जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हम मिला लेंगे और इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 2-3 मिनट तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए, टमाटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप जो है इस तरह से ग्रेवी बना करके तैयार करिएगा, इससे सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्याज और टमाटर ठंडे हो गए हैं तो इसको हम ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट जो है बन करके तैयार है। तो गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे, तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और मिला लेंगे। जीरा जो है वो लाल हो गया है तो अब हम इसमें हम प्याज को डाल देंगे। तो मैंने 1 प्याज को जो है इस तरह बारीक काट लिया है और इसमें हम 1 हरी मिर्ची डाल देंगे। अगर आप तीखा जो है ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें जो है मिर्ची अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं और इसको हम मिला लेंगे। अब हम इसमें जो है अदरक लहसुन का हम पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन को इस तरह दरदरा कूट लिया है, सभी को हम मिला लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, जो हमने टमाटर और प्याज को पीस करके रखा था, और इसको हम मिला लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसको हम लो फ्लेम पर हम 2-3 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसमें हम 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम 1/4 चम्मच जो है हल्दी डाल देंगे और मसालों को हम अच्छे से हम मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है मसालों को अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें जो है थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे और इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 3-4 मिनट तक अच्छे से हम पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएँ। ये 3-4 मिनट हो गए, हमारे मसाले जो है एकदम अच्छे से भुन गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हम चला लेंगे।
और अब हम इसमें जो है सहजन और आलू को हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसको हम मिला लेंगे। जो मसाले हैं वो आलू और सहजन में अच्छे से कोट हो जाएं, तो फ्रेंड्स इसकी खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया आ रही है। आप जो है इस तरह से अगर सब्जी बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारी सब्जी जो है कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। अब हम इसमें जो है पानी डाल देंगे, तो पानी हम ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे। तो अभी मैंने जो है इसमें एक गिलास पानी डाला है और इसको हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें हम थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे, आधा गिलास से थोड़ा सा कम, और इसको हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और इसमें हम स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे, तो नमक हम ध्यान से हम डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर और प्याज में भी पहले नमक डाला था। तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और मिला लेंगे, और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 4-5 मिनट तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी जो है एकदम बढ़िया से बन करके तैयार है, आलू भी एकदम अच्छे से पक गए हैं। और अब हम इसमें जो है थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिला लेंगे, और गैस को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सहजन की सब्जी जो है बन करके तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्जी को जो है लंच में, डिनर में बनाइए, आप इसे रोटी पराठे चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जो है बना करके ज़रूर ट्राई करना, आपको इसका टेस्ट जो है ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।